हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन। दोस्तों आज हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन साइट। तो आज हम यानी कि उन इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हम कंस्ट्रक्शन साइट पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपनी इस सीरीज़ की पहली वीडियो है, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और हाँ, वीडियो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए देखते हैं अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं जो साइट पर इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों पहले तो हम जान लेते हैं कि अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स होते क्या हैं। इसको हमने ग्रुप ए का नाम दिया है। तो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टू शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ अर्थ, डिगिंग फाउंडेशंस एंड लैंडस्केप एरिया। यानी कि हम बात करें अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स की, तो वो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट एरिया को डिग करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ अर्थ को शिफ्ट करने के लिए और फाउंडेशन लैंडस्केप वगैरह इनमें इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। तो अपना पहला है एक्सीवेटर्स। एक्सीवेटर आर द हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कंसिस्ट ऑफ ए बूम स्टिक बकेट एंड ए कैब ऑन द रोटेटिंग प्लेटफॉर्म नोन एज द हाउस। तो यानी कि जो एक्सीवेटर होते हैं वो एक बड़ी मशीन होती है जिसमें एक बूम होता है और एक खोदने के लिए बकेट होती है और एक हाउस होता है जो एक मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है जो रोटेटिंग भी होता है। उसके अंदर बैठ के जो ये अपना इसका ड्राइवर या जो इसका ऑपरेटर होता है उसको ऑपरेट करता है। तो ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक्सीवेटर किस प्रकार का होता है। तो एक्सकीवेटर जो होता है वो मेनली इस्तेमाल होता है डिगिंग ऑफ ट्रंच, मटीरियल हैंडलिंग, ब्रश कटिंग एंड हाइड्रोलिक, फॉरेस्ट्री वर्क, डिमोलाइजेशन, जनरल ग्रेडिंग, लैंडस्केप, मिनी एक्सकेपिंग, ड्राइविंग पाइल्स, इनमें मेनली ये इस्तेमाल होता है। अब दूसरा है अपना लोडर। लोडर जो होता है, लोडर इज ए हैवी इक्विपमेंट मशीन ऑफन यूज इन कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी यूज टू लोड मटेरियल। यानी मैं आपको शुद्ध भाषा में बता दूं तो ये लोडर जो होता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, बट ये इस्तेमाल होता है सिर्फ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल या मटेरियल को लोड करने के लिए। तो ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि लोडर किस प्रकार का होता है। उसके बाद होता है स्किड स्टीयर लोडर। स्किड स्टीयर लोडर, तो ये स्किड स्टीयर लोडर जो होता है वो एंटी स्किड लोडर होता है। उसके जो रिज्ड फ्रेम इंजन पावर्ड मशीन होता है विद लिफ्ट आर्म यूज टू अटैच ए वाइड वैरायटी ऑफ लेबर सेविंग टूल और अटैचमेंट। ये जो लोडर होता है ये मल्टी फंक्शनल होता है और ये ना बेसिकली वहाँ ज़्यादा काम आता है जब कीचड़ वगैरह का काम होता है। तो उसके अंदर ये उसको कीचड़ अपनी बकेट में भर के दूर खड़े मशीन में भी या दूर खड़े जो भी डंपर वगैरह होता है उसमें लोड कर देता है। उसके बाद आता है अपने दोस्तों ग्रेडर। ग्रेडर एक ग्रेडर आल्सो कॉमनली रेफर टू द रोड ग्रेडर, ए ब्लेड, ए मेंटेनर और ए मोटर ग्रेडर। इट इज़ ए कंस्ट्रक्शन मशीन विद ए लोड लॉन्ग ब्लेड यूज टू क्रिएट ए फ्लैट सरफेस। दोस्तों जो ग्रेडर होता है वो आपने देखा होगा रोड वगैरह बनाते समय ये मशीन ज़्यादातर यूज होती है। इसमें एक ब्लेड होती है जो ग्रेडिंग को लेवल करने के लिए काम आती है और इसकी ये ब्लेड रोड को बिल्कुल लेवल कर देती है और ये लंबे लंबे जो दूर दूर और लंबी दूरी के रोड होते हैं उनमें बनाने के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। पर आजकल छोटे रोड्स में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गई है। दोस्तों अब पांचवें नंबर पे आता है क्रॉवल लोडर। दोस्तों ये क्रॉवल लोडर और कंबाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रॉवल ट्रैक्टर विद द एबिलिटी ऑफ व्हील लोडर। दोस्तों ये जो लोडर होता है ये क्रॉवल के साथ साथ व्हील लोडर का भी काम करता है और ये पूरा हाइड्रोलिक होता है और जिस तरह आर्मी के अंदर टैंक्स होते हैं ये उसी प्रकार की ब्लेड के ऊपर चलता है और जो इसके टायर्स हैं ये कहीं भी मल्टी फंक्शनल होते हैं, कहीं भी ये काम कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लोडर होता है ये और ये बहुत सारे लोडर्स का काम ये अकेला ही कर देता है। दोस्तों उसके बाद आता है बैकहोए। बैकहोए जो बेसिकली हम जिसको बोलते हैं जेसीबी, बट ये जो जेसीबी होती है एक कंपनी है जो बैकहोए मशीन को बनाती है। तो ये बैकहोए आर
also called a rear actor or a back actor. Is a piece of excavator equipment or digging consists of a digging bucket on the end of a two-part arm. They are typically mounted on the back of the tractor or front loader. दोस्तों इस मशीन के जो फ्रंट में एक लोडर होता है पीछे एक आर्म के साथ बकेट जुड़ी होती है तो ये मल्टी फंक्शनल मशीन होती है. ये लोडिंग का भी काम करती है और एक्सीवेटिंग का भी काम करती है और इससे हम बहुत सारे डिगिंग के ब्रेकिंग के भी ये काम ले सकते हैं. दोस्तों 7 नंबर पे आता है बुलडोजर. बुलडोजर भी बेसिकली एक लोडिंग मशीन होती है और ये किसी भी चीज को धकेलने के लिए मेनली काम आती है और उसके बाद जो एक्सेस सॉइल होती है उसको ये अकेला लोड भी कर देता है. तो ए बुलडोजर इज ए ट्रैवल इक्विपमेंट विद ए सब्सटेंट मटेरियल प्लेट यूज्ड टू पुश लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉइल सैंड रबल और अदर सच मटेरियल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन. दोस्तों उसके बाद आता है ट्रंचर. 8वें नंबर पे है ट्रंचर. ये दोस्तों ट्रंचर जो होता है ट्रंचर आर एज दे आर समटाइम कॉल्ड आर सिमिलर टू एक्सीवेटर इन द सेंस दे पेनिट्रेट द अर्थ ब्रेकिंग सॉइल और रॉक एंड रिमूव फ्रॉम द ग्राउंड. दे डिफर फ्रॉम एक्सीवेटर इन द सॉइल इज रिमूव टू द इन वन कंटिन्यूस मूवमेंट. दोस्तों ट्रंचर बेसिकली ट्रंच खोदने के लिए काम आते हैं. ये ट्रंच ये खोदते भी हैं और मिट्टी को साइड में भी करते रहते हैं यानी फेंकते भी रहते हैं साइड में. तो ये जो अर्थ मूविंग मशीन जो दूसरी है एक्सीवेटर वगैरह उनसे अलग हैं. ये पतली पतली नालियां खोदने के लिए बेसिकली ज़्यादा काम आते हैं. दोस्तों इसके बाद आता है स्क्रैपर. इन सिविल इंजीनियरिंग ए व्हील ट्रैक्टर स्क्रैपर इज पीस ऑफ ए हैवी इक्विपमेंट यूज टू अर्थ मूविंग. दोस्तों ये जो मशीन है ये जनरली हमारे यहाँ बहुत कम इस्तेमाल होती है और इस मशीन को फॉरेंस में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये जो है मशीन्स हमारी माइंस वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होती है. दोस्तों उसके बाद आता है व्हील्ड लोडिंग शॉवल्स. ए पावर शॉवल इज ए बकेट इक्विपमेंट मशीन यूजुअली इलेक्ट्रिकली पावर्ड यूज फॉर डिगिंग और लोडिंग अर्थ फॉर रॉक एंड मिनरल एक्सट्रैक्शन. दोस्तों ये जो मशीन है ये हाइड्रोलिक के साथ साथ इलेक्ट्रिकल पे भी काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी काम करती है और ये मशीन बेसिकली रॉक्स वगैरह को खोदने के काम आती है. दोस्तों ये थी कुछ हमारे जनरली इस्तेमाल होने वाले एक्सीवेटर मशीन्स, अर्थ मूविंग मशीन्स. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी. और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो इसके पार्ट्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए.